हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति शेखावत स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक ज्योति ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज के व्लॉग में लेके आए हैं हम कुछ खास और कुछ नया। तो ये रसोई का जो पीछे का बैकग्राउंड है ये पहले का है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में अपना रसोई को कुछ चेंज, तो ये किचन का बैकग्राउंड हमारे फर्स्ट पार्ट के पहले से है, क्योंकि इसके बाद हम अपनी रसोई का मैक्योर कर चुके हैं और कुछ काम रह गया था, क्योंकि हमारे पास पेपर भी ख़त्म हो गया था और उस दिन बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया था तो हम अपना काम पूरा नहीं कर पाए। तो अभी हम कर रहे हैं अपने आगे का काम शुरू पार्ट टू में। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ पर्दा, और पर्दा बनाने के लिए ये रजाई का कवर है जो पहले हमने निकाल दिया था, क्योंकि ये सिलक में था तो सिलक का वैसे रजाई में यूज नहीं किया जाता। रजाई का कवर कॉटन में होता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए सिलक वाला था तो मैंने निकाल दिया था और ये उठा के रख दिया था। तो आज इसका यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मोटा भी है क्योंकि अगर हम इसका पर्दा बनाएंगे तो जो अलमारी में डब्बे वगैरह रखे हुए हैं उस पर कोई भी चिकनाई वगैरह नहीं लगेगी। और ये ब्लैक रंग की मेरे पास साड़ी थी तो ब्लैक रंग की साड़ी का मैं इस पर झल्लर वगैरह लगा के और थोड़ा सा डिज़ाइन दे रही हूँ। तो हल्का सा अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं आगे जाके क्या होगा और कैसी लगेगा, ये मेरे को तो नहीं पता, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे को कहाँ पर थोड़ी बहुत सुधार की ज़रूरत है। अगर कोई कमी है तो प्लीज़ ज़रूर मेरे को बताना। और ये मेरे पास रखी हुई थी साड़ी की एक जल लैस, और इस लैस को भी मैं नीचे की साइड लगा रही हूँ, मैंने सोचा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो मैंने दो पर्दे बनाए हैं, एक पर्दा तो गैस के पास लगाएंगे और दूसरा अलमारी में लगाएंगे। और अलमारी में पर्दे की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि डब्बे वगैरह रोज़ रोज़ साफ़ होते नहीं हैं इसलिए। और अब सबसे पहले हम जो हमारा स्टिकर था वो लगाएंगे, क्योंकि स्टिकर पहले बीच में थोड़ा रह गया था, कम की वजह से हमने बीच में काम छोड़ दिया था। तो सबसे पहले मैं और दिव्य यही काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो सीधे लग गए थे लेकिन अब की बार कटिंग वगैरह लगा के थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन लगा देंगे क्योंकि बीच बीच में कील वगैरह कुछ ना कुछ हो रहा था तो ऐसे सेटिंग बनाने में थोड़ी सी बस थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन काम बन गया हमारा। तो अब की बार मैंने दो मंगवाए थे क्योंकि पहले एक जो लेके आए थे ना उससे मैंने आइडिया लगा लिया था कि मेरे को अब कितने की ज़रूरत है, तो अब की बार दो मंगवाए थे। और ये मीशो से मंगवाए थे, मैं ज़्यादातर अपनी शॉपिंग मीशो से ही करती हूँ, जितनी भी ज़रूरत होती है पहले जो भी मंगवाया मैंने मीशो से ही मंगवाया है। अब दो तीन चीज़ें और हैं जो किचन के लिए, वो भी वहीं से ऑर्डर की हुई है, वो थर्ड पार्ट में दिखाएंगे हमने क्या क्या ऑर्डर किया था रसोई के लिए। तो अभी मैं लगा रही हूँ पर्दा, और पर्दे का फाइनल लुक बताना आप कैसा है, अगर कोई कमी है तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट्स बहुत कम करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट सेक्शन में ना तो कमेंट करते हैं और ना ही कोई लाइक करता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए, अगर पसंद नहीं आए तो इसको डिसलाइक करें, लेकिन ज़रूर करें। तो अभी लगा रही हूँ मैं पर्दा, और पूर्वी बना रही है चाय, क्योंकि शाम हो गई थी काम करते करते मेरे को, और वैसे भी गर्मी का टाइम है, समझ नहीं आता कैसे क्या काम करें। तो ये ऊपर की साइड मैंने लगाई ब्लैक रंग की साड़ी, उसकी झल्लर लगाई है। ब्लैक रंग मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो हमने ये लगाई थी टाइल वगैरह इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर आया हुआ था और थोड़ा सा रेड कलर, और नीचे की साइड लैस लगाई है तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा ये। और इस साइड और लगाएंगे एक पर्दा, तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही, चारों तरफ कोई बोल ही नहीं सकता कि 40 साल पहली बनी हुई रसोई है। और ये ज़्यादा लक्की है इसलिए हम यहाँ से नहीं हटा रहे इसको, अभी इसी को यूज़ करेंगे जब तक हमारी नई रसोई ना बन जाए। तो ये देखना, और जो पहले रसोई थी उसको देखना, कंपेयर करके ज़रूर बताना कि मैंने कितना चेंज किया है इसमें, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है मैंने, 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू इसमें लगी हुई हूँ
और इस साइड छोटे वाला पर्दा लगा दिया, ये ब्लैक रंग का, इसके नीचे की साइड वो लगाया था। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक। शाम के टाइम बिल्कुल मौसम ख़राब हो गया था, बारिश वगैरह, और उसी टाइम हम काम कर रहे थे तो ये बारिश आ गई थी और अंदर बस काम ही कर रहे थे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।